आपके 9th क्लास का नवा पाठ है, कबीर द्वारा रचित ये साखियां हैं। क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे तो इसमें दो ही साखियां हम बताए थे, कबीर का जीवन परिचय बताए थे। अब इसके बाद आगे यहाँ दिया हुआ है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाटार, स्वान रूप संसार है भूकन दे चकमार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना यहाँ कुत्तों से की गई है और साथ ही जो आपके ऊपर भोंकते रहेंगे उनको अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि भोंकना उनका काम है। एक दिन क्या होता है कि स्वयं झक मार करके भूकन दे झक मार, वो क्या करेंगे, एक दिन स्वयं वो झक मार के चुप हो जाएंगे, यानी भोंकते भोंकते चुप हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपको कहने वाले कहते रहेंगे और कहते कहते वो एक दिन चुप हो जाएंगे। यहाँ दूसरा कह रहा है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, और निरपक होई के हरि भजे सोई सन सुजान। यहाँ बतलाया जा रहा है कि पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष में हम लोग क्या होते हैं, उलझ जाते हैं, सारा संसार आपस में लड़ता है और भूल भुलैया में पड़ करके क्या होता है, प्रभु को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, लेकिन जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना प्रभु का भजन करता है, प्रभु के भजन में लगा रहता है, वही क्या होता है, सच्चे अर्थों में उसी को यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, सोई संत सुजान। सच्चे अर्थों में वही क्या है, संत है, वही क्या है, मनुष्य है। यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, और कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास का कहना है, कबीरदास कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम राम का भजन करता है, मुसलमान क्या कहता है कि खुदा खुदा कहते कहते मर जाता है, लेकिन क्या होता है, हासिल कुछ भी नहीं होता है। राम राम कहते कहते, खुदा खुदा कहते कहते मर जाता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता है। और असल में वही व्यक्ति जीवन जीवित है, यानी वह मरने के बाद भी जीवित है, जो इन दोनों बातों से अपने आप को अलग रखता है। यहाँ कहा गया है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाई। हिंदू राम कहता है, मुसलमान खुदा कहता है, लेकिन जीवित वही व्यक्ति रहता है, वही प्राणी रहता है जो दोनों के निकट नहीं जाता है, ऐसा कबीरदास का मानना है। नेक्स्ट जो है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीन। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास का कहना है कि आप या तो काबा जाएं, या काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजे या रहीम भजे, दोनों का अर्थ क्या है, समान है। यानी राम और रहीम दोनों को एक बताए हैं, जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा बन जाता है, यहाँ यही बताया गया है कि जिस तरह से गेहूं को पीसने से वह आटा बनता है और उसको और बारीक जब पीसा जाता है तो मैदा बन जाता है, परंतु दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को खाने में ही प्रयोग किया जाता है, खाने में ही प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए दोनों अर्थों में क्या है, आप प्रभु के दर्शन करेंगे, आप राम कहेंगे तो भी प्रभु के दर्शन करेंगे और रहीम कहेंगे तो भी क्या करेंगे, प्रभु के भगवान के दर्शन करेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, आ सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म ले लेने से कुछ नहीं होता है,
जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर अच्छा कर्म नहीं करता है तो वह मायने नहीं रखता है। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। सोने के कलश में शुभ रंग कलश सुरा भरा, सोने के कलश में अगर हम शराब रख देंगे तो क्या होगा, वो शराब ही होगा। साधु उसको उसकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे। तो ये साखियां आप लोगों का समाप्त होता है और अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आप लोगों को शब्द यानी पद पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।